आज हम मूंग का हलवा बनाएंगे। तो मूंग के हलवे के लिए हमने ये 300 ग्राम मूंग की दाल ली है। ये हमने धुली हुई दाल ली है जिसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और अच्छी तरह 4 से 5 बार वॉश कर लिया है भिगोने के बाद में। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में इसको पीसेंगे। अब हमने दाल को पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाया है हमने इसका, दरदरा वरदरा कुछ नहीं किया है, अच्छा पेस्ट बनाया है। इसे बनाने में हमने करीबन 4 से 5 चम्मच पानी का यूज किया है, ज्यादा पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि मिक्सी का जार अगर नहीं चलता है तो हमें थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ता है। याद रहे 4 से 5 चम्मच ही डाला है पानी। चलो तो अब गैस की तरफ चलते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हम करीबन 200 ग्राम के करीब घी डालेंगे। ये हमने घी ले लिया है तो अब हम ये दाल इसके अंदर डाल देते हैं। हमें घी में दाल डालने के बाद इसको अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करते रहना है ताकि इसमें एक भी गांठ ना पड़े, क्योंकि दाल में एकदम गांठ बहुत जल्दी पड़ जाती है। और गैस को हमें एकदम कम रखना है और धीरे धीरे इसको भूनते रहना है और चलाते रहना है। करीबन हम इसे 20 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे जब तक हमारी दाल में अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाएगी और हमारी दाल थोड़ी सी ब्राउन होनी शुरू नहीं हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा सारा घी दाल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। धीरे धीरे करके हमें इसे करीबन 20 मिनट तक भूनना है जब तक हमारी दाल एकदम अच्छे से नहीं भुन जाती है और इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। गांठें बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए हमें दाल को भूनते हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं तो ये हमारी कुछ इस प्रकार की दिखाई देने लगेगी। देखिए आप देखेंगे कि इसमें घी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे हम इसको बिल्कुल ही सूखी चला रहे हैं। तो घी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया है दाल ने, बस इसमें थोड़ी मेहनत जरूर है मगर इसका स्वाद आप देखेंगे और हलवे से सबसे बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट है इसका। आपने हलवाई का भी खाया होगा मगर इस तरीके से जैसे आप बनाओगे तो आपको ये हलवाई से भी स्वादिष्ट हलवा लगेगा। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है तो मेहनत का फल सदा मीठा होता है, इसलिए इस तरीके से आप बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। ये गारंटी है मेरी, अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपके परिवार वाले बोलेंगे वाओ किससे सीखा है ये हलवा बनाना, आपकी प्रशंसा ज़रूर होगी। प्लीज़ ऐसे ही बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं और मेरे चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हमारी मूंग की दाल को भूनते हुए करीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको धीरे धीरे ही भूना है। इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है और पूरे घर में फैल रही है और ये हमारा थोड़ा भुन चुका है, पूरी तरीके से नहीं भुना है अभी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 ग्लास के करीब हम दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे और वापस से इसको भूनेंगे। देखिए हमने 1 गिलास दूध डाला है, दूध को भी इसने एकदम सोख लिया है, ये देखिए। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। दूध डालने से क्या है, हमारा हलवा एकदम फ्लफी सा बनेगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये देखिए हमने करीबन इसमें 2 गिलास दूध डाल दिया है और इसको हम अब धीरे धीरे वापस से भूनना स्टार्ट करेंगे। 2 गिलास दूध को भी हमारी दाल ने एकदम एब्जॉर्ब कर लिया है, ये देखिए। और ये हमारी दाल फूल चुकी है, एकदम हो गई है ना एकदम डबल दूध डालने से। तो दूध डालने का हमारा यही है कि ये एकदम फ्लफी सा बनेगा और एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मुंह में घुलने वाला हलवा बनेगा क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। 2 गिलास दूध डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी मलाई और थोड़ा सा दूध और डालेंगे। ये हमने थोड़ी सी मलाई डाली है और आधा कप के करीब हमने दूध डाला है और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हम इसमें 1 से 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे क्योंकि मूंग का हलवा थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मलाई वाले दूध को भी। मलाई वाले दूध से ये है कि हमारा इसमें मावा का टेक्सचर आ जाएगा थोड़ा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इसको धीरे धीरे चलाते हुए हमें वापस भूनना है, इसलिए हमें अभी करीबन 15 से 20 मिनट वापस लग जाएंगे इसको भूनते भूनते। ये देखिए हमारा हलवा भूनता जा रहा है और बैटर को छोड़ता जा रहा है कढ़ाई। जैसे ही हमारा हलवा तैयार होता रहेगा कढ़ाई को छोड़ता रहेगा और घी को भी छोड़ता रहेगा। तो इसको हमें इस तरीके से ही धीरे 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 फोल्ड करते हुए और भूनना है। ये देखिए जैसे ही हमारा हलवा बन के रेडी होने वाला होगा
ये देखिए हमारा घी कितना ऊपर आ चुका है, बीच में भी आ चुका है, देखिए घी एकदम दिखाई देने लगा है। अब हमारा हलवा बनके एकदम रेडी है। इसमें हम काजू किशमिश बादाम डालेंगे। हम इसमें खुशबू के लिए 5 से 10 इलायची का चूरा डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा हलवा बनके एकदम रेडी है।